मार्क्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश और प्रदेश में बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल की कीमत के विरोध में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सपाक्स पार्टी राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर वैएसपी मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कोरोना काल में जहां एक तरफ लोगों के व्यापार धंधे बंद है, नौकरियां चली गई, लोग गरीबी भुखमरी से जी रहे हैं, बेतहाशा डीजल पेट्रोल की कीमत में वृद्धि देश हित में नहीं है, महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए ताकि लोग इस महामारी में कम से कम लोग भूखे ना रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सपाक्स पदाधिकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ सरकार मुर्दाबाद, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, सपाक्स जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में विश्वभरण द्विवेदी, सह सचिव एमपी अमित द्विवेदी, विधानसभा प्रत्याशी संतोष शुक्ला, मीडिया प्रभारी श्रीमती गायत्री शुक्ला, महिला मोर्चा सहित जिले के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जनता को लूटने के लिए डीजल पेट्रोल पर रोज 15 दिन में 15 रुपए महंगा किए, उसके विरोध में हम आज ज्ञापन दिए। क्या चाहते हैं आप लोग? ये तत्काल केंद्र और राज्य सरकार जो 15 दिन के अंदर जितना ये पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ाए हैं उसको तत्काल वापस करें, अन्यथा हम सड़क पर उतरने के बाद। केंद्र सरकार द्वारा जो डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है रेट में, उसके लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं। डीजल पेट्रोल की वृद्धि हो रही है वो कम की जाए, चूँकि जनता वैसे भुखमरी से मर रही है, और उस भुखमरी के तौर पर अगर आप डीजल पेट्रोल बढ़ा रहे हैं तो जितनी आता है अर्थव्यवस्था है तो सबको हो जाएगी, और महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं डीजल पेट्रोल की जो कीमत है उसको कम किया जाए। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट।